नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। एक बार राजा पांडु मुनि का शाप भूलकर अपनी पत्नी माद्री के साथ संभोग करने लगे तो उसी समय उन दोनों की मृत्यु हो गई। कुंती अपने पांचों पुत्रों को लेकर वापस हस्तिनापुर आ गई। बेचारी कुंती विधवा हो गई। पति का दुख उसके ऊपर पहाड़ बनकर टूट पड़ा था। अब बेचारी का जीवन सूना हो गया था। हस्तिनापुर में पांडव पुत्रों ने कौरवों के साथ खेलना आरंभ कर दिया। पांडव हर कार्य में कौरवों से आगे रहते थे। हर खेल में कौरवों की हार होती थी और पांडवों की जीत। इनकी जीत का श्रेय वीर भीमसेन को जाता था। भीम की यह बहादुरी देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलने लगा था। अब उसे भीमसेन अपना सबसे बड़ा शत्रु नजर आने लगा था। वह मन ही मन में यह सोचने लगा कि इस शत्रु को रास्ते से कैसे हटाया जाए। एक दिन दुर्योधन ने भीमसेन के खाने में जहर मिला दिया, जिसके कारण भीमसेन बेहोश होकर नदी के किनारे गिर गए। तभी दुर्योधन ने भीमसेन को टांग से घसीटकर नदी में फेंक दिया। भीमसेन सीधे पाताल लोक पहुंच गए। वहां पर सांपों ने उनके शरीर का सारा जहर चूस लिया। वे पहले से अधिक शक्ति प्राप्त कर पृथ्वी पर वापस आ गए। आते समय नागराज ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि संकट के समय हमें अवश्य याद रखना मित्र। फिर सब भाई मिलकर कृपाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने लगे। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।